लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। चतरा सदर थाना क्षेत्र के चतरा सिमरिया मार्ग पर पुलिस लाइन के सामने दो बाइक की आपस में आमने सामने हुई टक्कर में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें से एक व्यक्ति को बेहतर इलाज के लिए गंभीर अवस्था में हजारीबाग रेफर किया गया है। दरअसल चतरा प्रखंड विकास पदाधिकारी गणेश रजक व CEO भागीरथ महतो आज आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम से वापस लौटते वक्त उक्त घटना घटी, जहां तत्काल उन्होंने अपने देखरेख में घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल दाखिल किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की सहायता करने वाले किसी भी व्यक्ति को सरकार की ओर से 5,000 की राशि दिए जाने का प्रावधान है तथा इस घटना में शामिल व्यक्तियों द्वारा योगदान करने वाले को किसी भी मामले में दोषी ठहराया नहीं जा सकता। हम लोग सरकार आपके द्वार कार्यक्रम से देवरिया पंचायत से वापस लौट रहे थे, तो न्यू पुलिस लाइन के पास दो बाइक आपस में एक दूसरे से टक्कर लगी दोनों में, और एक व्यक्ति जो ज़्यादा स्पीड में चला रहा था वो फिर गाड़ी से, वो क्योंकि हमारे यहाँ के सामने ही एक्सीडेंट हुआ था, तो ज़्यादा दूर रोड पे फेंका गया, वो चोट लग गया उसको। फिर हम लोग तुरंत थाना से बात करके और 108 नंबर पे डायल करके और हॉस्पिटल से बात करके तुरंत हम लोग उसको, तुरंत एम्बुलेंस तो नहीं हो पाया, लेकिन हम लोग लोकल जो भी ऑटो या अपनी गाड़ी से हम लोग उसको लेकर सदर अस्पताल ले आए। उसका ठीक है, वो डॉक्टर साहब उसका इलाज कर रहे हैं। एक पेशेंट को रेफर करने की आवश्यकता है, डॉक्टर साहब बता रहे थे उसको हजारीबाग रेफर किया जाएगा। पूजा होटल के समीप जी पुलिस लाइन के बीच में अचानक दो मोटरसाइकिल में टक्कर होने से जो एक्सीडेंट हुआ था, तो प्रखंड विकास पदाधिकारी हम लोग साथ में थे, अंचल गार्ड भी हमारे साथ में था। हम लोगों ने तुरंत थाना को संपर्क किया और एक ऑटो के माध्यम से अंचल गार्ड के सहायता से दोनों को हम लोग तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराया। हम लोग का प्रथम दृष्टया कर्तव्य बनता है कि इस ढंग के अगर कोई एक्सीडेंट, अगर किसी के प्रथम दायित्व कर्तव्य ये है कि वो कम से कम उन्हें अस्पताल में तुरंत इमीडिएट भिजवा दें, ताकि उसको प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके, उसकी जान बच सके। और हम लोगों ने वहाँ और भी पब्लिक थे, सभी ने मिल करके इस कर्तव्य को निभाने का हम लोगों ने प्रयास किया और अभी दोनों हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। आम पब्लिक जो वहाँ उपस्थित है, उस घायल व्यक्तियों को तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया जाए, उसमें सरकार की ओर से उसे प्रोत्साहन की राशि 5,000 रुपये का सरकार की ओर से प्रोविजन भी है, और उन्हें किसी भी प्रकार से किसी भी मुकदमे में किसी भी उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा, बल्कि सरकार की ओर से उन्हें धन्यवाद दिया जाता है। तो आम जनता से मेरा यही अनुरोध है कि अगर आपके आप कहीं भी हैं और अगर आपके समक्ष किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट होता है, तो आप घायल व्यक्ति को अविलंब अस्पताल पहुंचा करके उसकी जान बचाने में आप अपना योगदान दें। समाज में भी आपकी एक अच्छा पहचान है, सरकार के नज़र में भी अच्छा पहचान है, और आपको एक प्रोत्साहन राशि भी दिया जाएगा और किसी भी प्रकार की आपकी परेशानी नहीं होगी।